जलकौवे के इस चूजे को पोषक तत्वों का इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि उसमें ताकत आए। ये उन हजारों नन्हे जलकौवों में शामिल है जिनका दक्षिण अफ्रीकी पक्षी संरक्षण गुट के वैज्ञानिकों की टीम उपचार कर रही है। इन्हें तंदुरुस्त बनाने के बाद उसी द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा जहां ये अंडों से बाहर आए थे। इनका घर कभी कुख्यात जेल रही रॉबिन द्वीप पर है जो केप टाउन के तट से थोड़ा दूर है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनने से पहले 27 साल यहां कैदी के रूप में बिताए थे। इसी जगह पर जलकौवों की दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी बस्ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल करीब 2000 जलकौवों के चूजों को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया है। इन्हें छोड़ने की वजह पता लगना हमेशा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि फिलहाल भोजन की कम सप्लाई वजह है। पानी में मछलियाँ कम हैं। इसका संबंध गर्मी से है जिससे मछलियाँ इन दिनों जूझ रही हैं। कुछ जाहिर सी वजह हैं जैसे जलवायु परिवर्तन। बुनियादी तौर पर ये हमारे पर्यावरण की बड़ी तस्वीर है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मछलियों की 80% प्रजातियों का जरूरत से ज्यादा शिकार हुआ है या फिर वो वहाँ अब है ही नहीं। कुछ महीने पहले आधे से ज्यादा चूजों को जल्द मुख्य भूमि पर लाकर उनकी देखभाल की गई। यहाँ नर्सिंग स्टेशन है। वे यहाँ वो सब कुछ सीख सकते हैं जो बाद में जंगल में उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी होगा, जैसे कि पानी में तैरकर मछली पकड़ना। उनकी पसंदीदा खुराक है सार्डिन और एंचोवी मछलियाँ। कृत्रिम सूरज की रोशनी में वे अपने पंखों को सुखाने का अभ्यास करते हैं। अब तक द्वीप से लाए गए केवल 1200 परिंदे ही जिंदा बचे हैं, हालांकि अब वो जंगल में छोड़े जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम जलकौवों को वापस जंगल में छोड़ने से पहले उनकी जांच करते हैं। सबसे जरूरी है वाटर प्रूफिंग, यानी ये देखना कि उनके पंख और उसके नीचे के हिस्से वाटर प्रूफ और सूखे हैं। इसकी पीठ पर सूखे पंख हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो कितने भारी हैं। ये सब काफी अच्छे दिख रहे हैं। जब ये यहाँ आए थे तब काफी छोटे छोटे और भूखे थे जो अपना ख्याल नहीं रख सकते थे, और अब ये जंगल में जाने के लिए तैयार हैं। और अब वक्त आ गया। करीब 6 महीने से ज्यादा समय के बाद जलकौवे द्वीप पर वापस जा रहे हैं, अपनी जन्मभूमि पर। छोटे छोटे पिंजरों में ये पंछी नए वातावरण के हिसाब से ढलते हैं और फिर समुद्री हवा में मछलियों की खुशबू और आजादी की हवा में सांस लेते हैं। हमारे पास समुद्री पक्षियों की 160 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिनका रिकॉर्ड उनके मूल स्थान पर दर्ज किया गया है। हालांकि द्वीप पर शायद सबसे बड़ी बस्ती केप जलकौवों की है। फिलहाल हम इनके पुनर्वास में व्यस्त हैं और अगले कुछ दिनों में उन्हें आजाद करने वाले हैं। केयर सेंटर में आधा साल बिताने के बाद वैज्ञानिकों को अपने बच्चों को अलविदा कहना होगा। परिंदे अब जो चाहें करने के लिए आजाद हैं। इसके बाद टीम ये पता लगाएगी कि छोटे जलकौवे क्या सचमुच आजाद जिंदगी के लिए तैयार हैं। हर परिंदे में रंगीन टैग लगा है जिससे उन्हें छोड़े जाने के बाद भी आसानी से पहचाना जा सके। रॉबिन द्वीप पर परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। मछली उद्योग अब भी सार्डिन और एंचोवी मछलियों को चिड़ियों के मुंह से छीन रहा है और इंसान उनके खेलने खाने की जगहों का अतिक्रमण कर रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, तो ये सबसे जरूरी पाठ है जो हमें समझना है। इन परिंदों को बाहर लाना और फिर इन्हें ब्रीडिंग वाली जमात में वापस ले जाना इनकी आबादी को स्थिर रखने में मदद करेगा। 1970 के दशक से अब तक जलकौवों की आबादी आधी रह गई है और IUCN का कहना है कि इस ट्रेंड के उलटने का कोई संकेत नहीं दिखा है। जाहिर है कि बचाए गए परिंदे इन प्रजातियों के लिए बेहद जरूरी हैं।